बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ्तार ट्रांसमिशन में आज हमारे साथ जो मौजूद हैं नौत खां, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका नाम बताती चलूँ मैं आपको, हाफिज़ मोहम्मद हसीब ताहिर हमारे साथ, जो कि कौमी अवार्ड याफ्ता हैं और जो सा है उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो सा बतौर जज खदमात अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें जो सा है इस ट्रांसमिशन में हमारे लिए वक्त निकाला। तो हम आपसे सवालात का भी आगाज़ करेंगे और आपसे नात भी सुनेंगे। सबसे पहले बताते जाइए कि नात बेसिकली क्या है। नात देखें, जैसे नात का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। देखें कि अब सवाल ये भी पैदा होता है कि नात अक्सर पूछते हैं नात कब से शुरू हुई भाई। तो देखें, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तन्हा थे, हमने कहा हमें कोई रब कहे, तो हमने अपने नूर में से एक नूर को पैदा किया। तो वो नूर पैदा हुआ तो उसने क्या कहा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो अल्लाह का जैसा फरमान है कि हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान, के एहसान का बदला एहसान ही होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जब वो नूर पैदा किया, नूर ने उसकी तारीफ की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तेरे लिए कायनात बनाऊंगा। तो वो सरकार की ज़ात थी। तो देखें, सबसे पहली नात अल्लाह ताला ने खुद पढ़ी, हमारी क्या औकात है। और फिर रसूल अल्लाह ने सबसे पहली हम्द पढ़ी। अगर आप देखें कैसा एक उसने इत्तेफाक है कि अगर अहमद की अलिफ को हटा दे तो हमद है, अगर मोहम्मद की मीम को हटा दे तो हम भी हमद है, क्योंकि तमाम तारीफ अल्लाह की। तो नात ये है कि खालिसतन मेरे आका की तारीफ। सही। तो नात का आगाज़ कब से हुआ? नात का आगाज़ हुई जिस तरह मैंने आपको बताया कि अज़ल, ये अज़ल और अबद का तरीका है, ठीक है। ये आज की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए कायनात बनाई, 124,000 अम्बिया कराम भेजे और मैशर का मैदान बरपा होगा। तो अल्लाह ताला ने ये सब अपने हबीब के लिए की, और ये नात ही है दरअसल। सही। तो आपने देखा है कि नात के अंदर भी जो सा मुख्तलिफ किस्म के जो सा है तर्ज होते हैं, तो इसका सुर और लय से क्या ताल्लुक़ है? देखें, राग एक चीज़ है, ठीक, उसे मौसीकी सिंफ में कहा जाता है। लेकिन नात को आपने सामने पेश नज़र रखना है कि नात, देखें आजकल उस्तादों का कलाम हम ढूंढते नहीं हैं, जो रटा रटाया पढ़ देना। ये नात एक पुले सरात पे गुजरने के मतरादिफ है, क्योंकि अगर हल्का सा पैर फिसला तो आप नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और या अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो फिर आप गलत तरीके से शिरक तक भी जा सकते हैं। तो नात एक पुले सरात पे गुजरने के मतरादिफ है कि सरकार की शान को मद्देनज़र रखना है। कि देखें, आप अगर दुनिया में कोई महबूब हो, ठीक है, तो आप उसकी कहते हैं यार मैं अपने महबूब की उस तौसीफ़ को भी बयान करूं, उस अज़कार को भी बयान करूं, लेकिन ये तो उसके महबूब हैं जो रब्बे कायनात है। तो इसलिए नात के ख्याल ये रखना चाहिए कि आला तर्ज हो, पहली तो बात ये, आला उस्तादों का कलाम हो और वो कलाम हो जो मंजूर नज़र हो। मंजूर नज़र क्या, अब जिस तरह अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, एहसान दानिश, मौलाना हसन रज़ा ख़ान, बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं, तो इनका कलाम पढ़ा जाए। और तर्ज वो जो किसी गाने से तशबीह न दी जाए। तो इसलिए वो सुर का ताल्लुक राग से ये है कि राग का इतना ज़रूर आपको पता हो कि आप अपनी तर्जें खुद बनाएं। सही। ये बड़ा गहरा ताल्लुक है। सही, बहुत अच्छी बात की आपने। आज आप अपने नात हमें पहले कौन से सुना रहे हैं? मैं मेरे प्यारे भाई उमर भाई ने फरमाइश भी की तो उसके मैं चंद इशार पेश करता हूँ। तुझसे कोई नहीं है रसूल अमीन।
दोस्त कुदरत ने किस दर मुंतहा राह गुजर में तेरी कौसे गर दे सफर में तेरी कौसे के करीम और हक है तेरे करीम क्योंकि तुझसे कोई नहीं तुझसे कोई नहीं ऐ सूरे अमीन 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 माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज आपका, बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाला। अब मैं तो चाह रही हूँ कि सिलसिला जो है जारी रहे, आप एक सेकंड के लिए भी ना रुकें, लेकिन बात वही है कि हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी कि आजकल जैसे मुख्तलिफ आपने देखा हो कि आलात के साथ जो है नात को पढ़ा जाता है, क्या किसी आलात के साथ या किसी भी ढोल बाजे की आवाज़ के साथ नात पढ़ना जायज़ है? देखें, उलमा कराम का काफ़ी इस बारे में तज़किरा रहा है, लेकिन जो एक अदब है और उसका सलीका है नात का कि आप बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट के नात को पढ़ें, नात को नात समझ के पढ़ें। अगर आपने कवाली करनी है तो फिर आप कवाली करें, क्योंकि वो भी जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता है कि 90 लाख लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ाया, तो उन्होंने कवाली को यूज़ किया। क्यों? कि देखें, राग एक सुर जो है पाक चीज़ है। लहने दाऊदी, अगर आप अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं, तो ये एक पाक चीज़ है, तो उन्होंने इस पाक चीज़ को पाक नामों से पुकारा, इसको मुजयन फरमाया और लोगों ने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अल्लाह ताला का जिक्र सुना, तो उन्होंने कलमा पढ़ा। रही नात की बात, तो नात में जो बड़े हमारे असलाफ गुजरे हैं, बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने यही फरमाया है कि बेटा आप नात को नात समझ के पढ़ें, अदब सामने रखें, तो बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट के इसको पढ़ें, तो बेहतर यही है कि आप बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट के ही इसको पढ़ें। सही, तो आप ये बताइएगा कि दूसरा कलाम जो उनसे है वो आप कौन सा सुना रहे हैं? दूसरा कलाम मैं आपको सुनाऊंगा अहमद नदीम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता है बहुत हमारे वतन के मशहूर मारूफ शायर गुजरे हैं, तो उन्होंने नातिया एक कलाम लिखा है, तो उसके अशआर समाप्त फरमाएं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा, इस की दौलत
فقط نقش کفِ پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قدر سے یہ تیرا ہے کرم پورے قدر سے میں کھڑا ہوں یہ تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا جتنے بھی سہارے سبک کرتے پر عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا اور فریاد سرکار سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ایک بار اور تیبا سے فلسطین میں آ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا کشاؤں سے یہ شیدا تیرا 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ زبردست آپ کی آواز نے اس اسٹوڈیو میں چار چاند لگا دیے آپ کی تشریف آوری کا میرے نبی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جہاں وہاں چار چاند لگتے ہیں بالکل بہت اعلیٰ کلام پڑھا آپ نے اچھا یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نعت کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے یا اس کا کوئی خاص یا مخصوص طریقہ ہو نعت کا انداز دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم سرکار پہ درود پڑھتے ہیں یا ان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو آپ ہماری آواز سنتے ہیں
और जो दिल से दुरूद सलाम पढ़ते हैं हमारा ये भी ईमान है उसका जवाब भी देते जवाब हैं। देते हैं क्यों कि कोई चीज़ उनसे पोशीदा नहीं है। देखिए ना ये टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल एक टेक्नोलॉजी आई है, तो हम अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो चल हमें भी हमारी आवाज़ अमेरिका पहुंच जाती है। और जब इंसान की बनाई हुई चीज़ में इतनी ताकत है तो रसूल अल्लाह की शान कितनी अरफा वाला होगी कि अल्लाह ताला ने उनको क्या अता किया होगा। तो नात सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि आप नात किसकी बयान कर रहे हैं, आप किसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। जब आपके सामने ये होगा तो आप सर झुकाए बारगाह नबी को अपने सामने रखते हुए नात पढ़ेंगे। तो वही जो बात मैंने आपको पहले भी की कि नात के लिए आला तर्ज हो, कोई गाने की तर्ज ना हो, कोशिश आपकी ये हो कि आला तर्ज हो, बा अदब तर्ज हो, कि ऐसी आवाज़ में आप पढ़ें और ऐसा सोजदार आवाज़ हो और ऐसे अशार हो, जैसा कि आपने भी मुझे खुद कहा कि आपने ऐसी नात पढ़ी कि लुत्फ़ आ गया। क्योंकि वो अशार में देखें, अशार मेन चीज़ है, सुर बाद में आपने जो अशार शायर ने लिखे हैं आपने वो खूबसूरत तरीके से खूबसूरत अंदाज में लोगों की समातों की नज़र करनी है। तो आला कलामों का, आला उस्तादों का कलाम हो, आला तर्ज हो और बादब, और सबसे अहम बात बावजू, जब नात पढ़ें बावजू होके पढ़ें ताकि आपको भी हुजूरी मिले और सुनने वाले को भी हुजूरी मिले। आपका आज तक का जो पसंदीदा कलाम है वो कौन सा है? मेरा पसंदीदा कलाम हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर रहमतुल्लाह अलैह का है, जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है उम्र दुरूद सलाम में गुजरे, ये मुझे बहुत पसंद। सही, तो अभी आप हमें यही कलाम सुनाएंगे या कोई और कलाम सुनाएंगे? मैं इसी के उनके बुजुर्गों का नाम ले लिया तो उनको उसूल बरकत हासिल करने के लिए इस महफिल में उनका कलाम पेश करता हूँ। Yeah.
चाहेंगे इसके साथ साथ कि आपने नात का आगाज़ बचपन से किया या फिर जो सा है आपने इसको जवानी में आके या आपने इसको कब से इसका आगाज़ बाकायदा आगाज़ किया? अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत वालदैन की तरफ से हुई और मेरे दादा जानते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया कि बेटा इश्क़ रसूल है क्या। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की दुआएँ के मुझे आलम इस्लाम के अजीम सना खान सैयद मंजूर अलकौनैन साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो जिनके हज़ारों नहीं लाखों रूहानी शागिर्द भी दुनिया भर में मौजूद हैं, तो उनकी मुझे शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ। फिर उन्होंने एक पत्थर को नगीना बनाया और मुझे निखारा। नसीब चमके हमारा तू
बचाना हुजूर के सजके, तू इनसे हमको बचाना हुजूर के सजके, करम हो हम पे खुदाया माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत ऐसी खो देने वाली नात, इंसान को अपने ख़ताओं का और गुनाहों पे वाकई ही देखना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो अभी जौन सा आपसे पूछना चाहूँगी कि चंद ऐसे शोहरा के नाम बताएं जिसको आप समझते हैं कि जिनको सुनना चाहिए, जिनके कलाम पढ़ने भी चाहिए। चंद शोहरा में यकीनन अजीम इमाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उस्तादों में शुमार किया जाता है, डॉक्टर अलामा साहब अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को, साबिर लखनवी, और हमारे इस दौर में जो अजीम नातगो शायर गुजरे हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही उम्दा शायर गुजरे, उनको आप पढ़िए। और किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी कलाम ये उन मतलब ये उन नामों में आते हैं जो उस्ताद जैसा जैसा हाफिज़ मज़रुद्दीन मज़र साहब रहमतुल्लाह, ये पीर नसीर साहब के भी उस्ताद गिरामी थे, तो आला उस्तादों का कलाम ये उस्तादों में आते हैं, तो इनका कलाम आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आप भी उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। सही, तो अगला कलाम कौन सा पेश करेंगे आप? अगला कलाम मैं हज़रत अल्लामा रियाज़ुद्दीन सुरवर्दी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का पेश करूँगा, तो बड़ा खूबसूरत है। की गुलामी
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो चाहती हूँ कि सिलसिला जारी रहे, लेकिन वक्त की कमी के बायस जुलसा है, हमें इसको रोकना भी पड़ता है, क्या करें। लेकिन इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत देंगे। अभी आप लास्ट मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं बाबू? मैसेज यही है कि अपनी ज़िंदगियों को, अपने हर लम्हे को, अपने हर लोगों से मुलाकात जो इंसान करता है, उस मरहले को हर वक्त सामने अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को रखिए। क्योंकि जब आपके दिल में इश्क़ रसूल होगा, ये जो नफ़रतें हैं, ये जो एक दूसरे के हम गिरबान पकड़ लेते हैं, जो हम कोशिश करते हैं किसी का माल खा लें, हम झूठ बोलते हैं, लोगों से दगाबाजी करते हैं, ये उसी वक्त हम इन तमाम कामों से हमारी उम्मत, सरकार की उम्मत और ये कौम दूर हो सकती है, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के इश्क को अपने सामने रखेंगे। तो दुआ यही है कि ऐ खासा ऐ खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आँख है जब वक्त खड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, पर देश में वो आज गरीब अल गुरबा है। सही, बहुत खूब बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जिनाजिन आपने देखा कि हाफिज़ मोहम्मद असीब ताहिर, जिन्होंने हमारे स्टूडियो में आज चार चांद लगा दिए बाकसलम की सलाम में, तो बहुत मज़ा आया, एक बार फिर इनको ज़रूर बुलाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त अपने मेज़बान शमा रफ़ीक को, अल्लाह हाफिज़।